नमस्कार दोस्तों, आज मैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी से एक दिलचस्प कविता सुनाने जा रहा हूँ, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यह कविता का शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों का प्रस्ताव देने जाते हैं, जिससे युद्ध टल सके। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इनमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, बोले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर भानी प्रखर, पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वाय श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, और आखिर तू ऊषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। ई सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर नघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद।